हेलो टकूस, कनिकीवा गाइस। तो पॉकी यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल को देख के पॉकेमॉन फैंस तो जरूर सोच में ही पड़ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम पॉकेमॉन का एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यूनिवर्स लगाओ इंट्रो। ओके सीस। वीडियो का टॉपिक हमारे दिमाग में तब आया जब हम पोकेमोन की कुछ इमेजेस देख रहे थे, और तभी हमें एक इमेज दिखी जिसमें एक कैरेक्टर थी जो कि बिल्कुल मिस्टी के जैसे दिख रही थी, और उसके साथ एक छोटी लड़की थी जो शायद उसकी बेटी थी। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये इमेज है म्यूटू स्ट्राइक बैक के फर्स्ट ओरिजिनल ट्रेलर की। रुको, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। तो आपके लिए हमारे पास क्लिप भी है। ओके, तो यूनिवर्स वो क्लिप लगाओ। ねえ、君たちの夢って何かな？ポケモン100画面一匹ゲット！あ、私と同じ？え？大人のくせに？変なの？何よ、いけない？いけなくないけどさ。ねえ、君たちさ、他にはどんな夢があるの？うんとね、もう一つの夢はね。昔私がまだ子供だった頃、ポケットに入れてたたくさんの宝物、今でも時々顔を覗かせるのよ。これってもしかしてピカチュウ？なんでしょうね。昔の子供、今の子供、ポケットの中身はいつだって男の子でも女の子でも、ポケットの中身は誰だってファンタジー。この夏劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲同時上映ピカチュウの夏休み。तो दोस्तों, ये क्लिप है म्यूटू स्ट्राइक बैक के ओरिजिनल फर्स्ट ट्रेलर की, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो हमने ओरिजिनल मूवी में नहीं देखे हैं। जैसे मिस्टी और ब्रॉक यहाँ पे ऐसे भाग रहे हैं, और ये टीम रॉकेट इस मशीन पे, एंड एंडिंग में तो कुछ अलग ही दिखाया गया है। मतलब एक कैरेक्टर जो कि बिल्कुल अडल्ट मिस्टी के जैसे दिख रही थी, एंड उसके साथ उसकी डॉटर, बट ट्रेलर में उसका नाम नहीं बताया गया। और इस ट्रेलर की सबसे अजीब बात यह है कि ऐश को मिस्टी के साथ कहीं भी नहीं दिखाया गया है, बट उसका पिकाचू एंडिंग में उसके बेटी के साथ दिखाया गया है। तो पिकाचू को एंडिंग में देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद ऐश इस मूवी में मर गया, बट उसके बाद हमें ये इमेज मिली जहाँ पे लिखा है कि ट्रेलर में ऐश की बेटी मिस्टी को जैपनीज में पूछती है कि पापा कहाँ है, और मिस्टी उसे बताती है कि उसके पापा पोकेमोन जर्नी पे हैं। तो इससे पता चलता है कि पोकेमोन कंपनी पोकेमोन एनिमे को यहीं पे ख़त्म करने वाली थी, बट बाद में पोकेमोन कंपनी ने ये प्लान कैंसिल कर दिया। और पोकेमोन कंपनी ने ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस सीरीज को आगे बढ़ाने के बाद ये सीरीज बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। तो पिकाचू और इस कैरेक्टर को देखने के बाद हम सबको 101% ये मिस्टी ही लगी, और ये ऐश की बेटी। बट जब हमने और रिसर्च की तो हमें कुछ अजीब से चीज़ें पता चली। हमें पता चला कि ये मिस्टी नहीं है। एक मिनट, अनलॉक करने के पहले पूरा सुन लो। तो म्यूटू स्ट्राइक बैक इवोल्यूशन के US प्रीमियर के दौरान इस मूवी के डायरेक्टर क्यूनी हिको यूयामा और मोटोनारी साकाकीबारा को इस मूवी के ओरिजिनल टीजर ट्रेलर के बारे में पूछा गया था। तब यूयामा, जो कि ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि वो कैरेक्टर जो मिस्टी के जैसे दिख रही है वो अडल्ट मिस्टी नहीं है। और साकाकीबारा ने कहा कि उस कैरेक्टर की हेयर स्टाइल मिस्टी जैसे है, इसलिए बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी कि वो मिस्टी एंड उसकी डॉटर है। और उनके हिसाब से उन कैरेक्टर के एक जैसे बाल होने के बावजूद ट्रेलर में दिखाई गई मिस्टी जैसी कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये सब शामिल नहीं था, और ओरिजिनल कैरेक्टर को भी बड़ा दिखाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कैरेक्टर मिस्टी है या नहीं? हमें तो ये मिस्टी ही लग रही है,
क्योंकि अगर ये नॉर्मल कैरेक्टर होने वाली थी तो ट्रेलर में इसे क्यों दिखाया गया है। और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर पिकाचू वहाँ क्या कर रहा था? लगता है कि पोकेमोन कंपनी कुछ छुपा रही है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी, और कमेंट में जरूर बताना कि वो कैरेक्टर आपको मिस्टी जैसे लग रही है या नहीं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और यार अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और वो भी हाथ धो के, पता है ना कोरोना चल रहा है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।